Hi guys, my name is Siddesh and this is my YouTube channel. I travel around the places, I share my experiences through this vlog. So I hope you will like my vlog. So keep watching and do subscribe to my channel. Hi guys, what's up and welcome to my YouTube channel. Today's vlog is going to be about Tarkarli. So अभी मैं हूँ तारकरली में ही. ये जो बीच है जहाँ पे मैं हूँ उस बीच का नाम है दांडी. और वहाँ आने के लिए मैं सिंधुदुर्ग से आया हूँ. सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतरा, कोंकण कन्या एक्सप्रेस उससे आया था. एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था सो उसके साथ मैं आया. अभी तो हम लोग का फर्स्ट जो राइड है वो होने वाला है वाटर स्पोर्ट्स. वाटर स्पोर्ट्स में हम लोग करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग. सो कैसे होता है पार्ट मैं तो शूट करने वाला ही हूँ और आपको भी पता चलेगा. सो अभी तो मैं सीनरी दिखाता हूँ. यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छी सीनरी है. ये जो दांडी बीच है, ये दांडी बीच को लग के ही ये जो बीच है वो है सिंधुदुर्ग फोर्ट. सो अगर टाइम मिला तो वो फोर्ट पर भी जाने का हमारा इरादा है. सो गाइस वी आर फाइनली गोइंग इन टू द बोट. और बोट हमारे पीछे ही है. सो अभी ये बोट में हम लोग बैठे हैं. मध्ये पाणी गेलं तुम्हाला काढता येणार नाही. त्याची सिग्नल आहे म्हणजे पाण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाला तर गाईडला थंबचा सिग्नल दाखवायचा चेहऱ्यावरती. लगेच तुम्हाला वरती आण. ठीक आहे. दुसरा सिग्नल असतो कम्फर्टेबल म्हणजे पाण्याखाली तुमची ब्रिथिंग कम्फर्टेबल असेल तर गाईडला हा रिटर्न सिग्नल दाखवायचा. सो गाइज अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो स्कूबा डाइविंग में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा फॉलो करने होंगे. जैसे कि थंब का साइन. थंब का जो साइन होता है, जो अप का साइन है, वो ऐसा होता है. सब कुछ ठीक है ये बताने के लिए ये वाला साइन होता है. सो गाइज अभी हम लोग का स्कूबा डाइविंग करके हो गया है. स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छा है पर ज़्यादा डीप नहीं लेके जाते वो लोग. ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट लेके जाते हैं और कान बहुत दुखते हैं. अंदर बहुत सारे फिशेस हैं. हम लोग को तो दो तीन टाइप के ही देखे पर बहुत ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा डीप नहीं लेके जाते वो अंदर. तो बहुत अच्छा है. स्कूबा डाइविंग के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जो है जेट्सकी. जेट्सकी में एक्चुअली हमें जेट्सकी चलाने को नहीं मिलती है. हमारे पास लाइसेंस नहीं है या फिर हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता इसके लिए वही लोग जेट्सकी चलाते हैं. एक्चुअली अगर जेट्सकी हमें दी जाए तो चलाने का ज़्यादा मजा आएगा. उसके बाद होते हैं कुछ वाटर स्पोर्ट्स जो अब जैसे कि बनाना बोट हुआ. जो वाटर स्पोर्ट्स है आफ्टर जेट्स की कम्प्लीटेड नेक्स्ट पार्ट इज पैरासेलिंग. पैरासेलिंग के लिए वो एक बोट में 16-17 जनों को एक साथ बिठा के समुद्र के बीचों बीच लेके जाते हैं. समुद्र के बीचों बीच स्पीड बोट होती है. स्पीड बोट में सब लोग बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. उसके बाद
हमें सेफ्टी जैकेट दिया जाता है, और सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद जो पैराशूट है पैरासीलिंग के लिए वो पहनना होता है, और हेलीपैड जैसा एक जगह होती है वहाँ पे जाके खड़े रहना होता है। So guys, I am ending my vlog here. So if you like this vlog, do consider subscribing and hit the like button and subscribe to my channel.